बदतमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और आप संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। मोदी जी, आप जाति जनगणना से क्यों डरते हो? नरेंद्र मोदी की जी कहते हैं, जहां भी जाते हैं, कि हम पिछड़ों की सरकार चलाते हैं। और आप अपने हर भाषण में ओबीसी शब्द का प्रयोग करते हो, तो फिर आप ओबीसी कास्ट सेंसस से, जाति जनगणना से इतना क्यों डरते हो? कम से कम 50-55% ओबीसी वर्ग है हिंदुस्तान में। मगर ये सच्चाई नरेंद्र मोदी जी आपको नहीं बताना चाहते। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी लड़ाई में जातिगत जनगणना का मुद्दा गहराता जा रहा है। जहां एक तरफ यूपी में समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक सभी जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, तो वहीं शनिवार को राहुल गांधी ने कांकेर छत्तीसगढ़ में रैली करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर जातिगत जनगणना को लेकर गंभीर आरोप लगा डाले। राहुल गांधी ने सीधा पीएम का नाम लेते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप जातिगत जनगणना से डरते क्यों हैं? नरेंद्र मोदी जी, आप जाति जनगणना से क्यों डरते हो? कांग्रेस पार्टी ने जो जाति जनगणना के जो आंकड़े थे वो निकाले, उनको आप रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो? ये सवाल आप पूछिए, ओबीसी युवा आप पूछिए, आपके भविष्य की बात। और मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ छत्तीसगढ़ के ओबीसी युवाओं को नहीं, पूरे देश के हर ओबीसी युवा को, कि हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। जाति जनगणना को हम आपके लिए जल्दी से जल्दी करवा देंगे। दिल्ली में सरकार आएगी, जैसे हमने यहां कहा था, 2 घंटे में काम शुरू हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी तो छत्तीसगढ़ की सरकार जाति बेस्ड सर्वे करवाएगी और सच्चाई आपके सामने रख देगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा कि ये लोग कहते हैं कि ओबीसी की सरकार चला रहे हैं, तो आप जातिगत जनगणना से डरते क्यों हो? आप इसलिए डरते हो क्योंकि जितनी भागीदारी ओबीसी की होनी चाहिए वो आप नहीं दे रहे। बीजेपी ने एक नई चीज चलाई। बीजेपी के लोग कहते हैं, नरेंद्र मोदी की जी कहते हैं, जहां भी जाते हैं, कि हम पिछड़ों की सरकार चलाते हैं, हम ओबीसी की सरकार चलाते हैं। अच्छा, तो अगर आप ओबीसी की सरकार चलाते हो और आप अपने हर भाषण में ओबीसी शब्द का प्रयोग करते हो, तो फिर आप ओबीसी कास्ट सेंसस से, जाति जनगणना से इतना क्यों डरते हो? अपने भाषणों में जाति जनगणना शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? और जो हमने आंकड़े निकाले थे जब हमारी सरकार थी दिल्ली में, उनको आप रिलीज क्यों नहीं करते? क्योंकि आप जानते हो कि आज के हिंदुस्तान में जितनी भागीदारी ओबीसी वर्ग की होनी चाहिए नहीं है। फिलहाल जहां भाजपा राम मंदिर के मुद्दे को लेकर लगातार अब आगे बढ़ रही है, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार जाति के मुद्दे पर सरकार को घेरने और ओबीसी वर्ग को उसके प्रतिनिधित्व और हक के अधिकारों की बात कर रहे हैं। हाल ही में बिहार में जातिगत आंकड़े सामने आए, जिनमें बिहार में करीब 63% ओबीसी की आबादी सामने निकल कर आई। इसके बाद अब ओबीसी की हिस्सेदारी की मांग अब मजबूती के साथ धार पकड़ने लगी है। फिलहाल ओबीसी जनगणना के मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टॉक।